हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, असेंबली लाइन बैलेंसिंग। ठीक है, तो आई होप इससे पहले के सारे टॉपिक सबको क्लियर हो गए होंगे। और हमें एक काम जरूर करना है, साथ में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, काम हो जाएगा। ठीक है, हथियार नहीं डालने हैं लास्ट तक। ठीक, हल्का नहीं पढ़ना है, कि हो सकता है क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स ये थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इससे भी आए और ईजी आए। ठीक, तो हम लोग आज बात करेंगे असेंबली लाइन बैलेंसिंग की। तो देखो असेंबली लाइन सबने सुना होता है कि असेंबली लाइन होता क्या है। ठीक, या क्या कहते हैं, जैसे कि एक लाइन है और यहाँ से स्टार्ट होता है वर्क, कुछ स्टार्ट हुआ, चलेगी फिर रुकेगी फिर उस पर काम होगा, फिर चलेगी फिर रुकेगी फिर उस पर काम होगा, फिर चलेगी फिर रुकेगी फिर उस पर काम होगा। ये क्या होती है असेंबली लाइन, यानी कि रॉ मटेरियल यहाँ से स्टार्ट होता है और फाइनली कंप्लीट फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होता है, सीरीज ऑफ प्रोसेस कनेक्टेड इन वन लाइन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ चीजें फिक्स है कि यहाँ पे अगर वो लाइन जो एक है अगर रुकी है तो सारे स्टेशन पे सेम टाइम के लिए रुकेगी और फिर चल रही है, यही क्या असेंबली लाइन। तो हमको इसमें करना क्या है कि वर्क जो जॉब्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम एलिमेंट बोलते हैं इसमें, कि छोटी छोटी जॉब्स होती हैं, क्योंकि कोई प्रोडक्ट बनने में, फिनिश गुड बनने में बहुत सारी जॉब हमारी क्या होती हैं, लगती हैं, तो उनको असाइन करना है अलग अलग वर्क स्टेशन पे, है ना। जब अलग अलग वर्क स्टेशन पे असाइन करेंगे, ठीक है, और कैसे असाइन करना है, ताकि जो वर्क स्टेशन का टाइम हो वो मिनिमाइज हो, वर्क स्टेशन का टाइम क्या हो, मिनिमाइज हो। ठीक है, और इस तरीके से असाइन करना है कि हमें कुछ और भी जो एडवांटेज हैं, जो बेनिफिट्स हैं, इससे मिल जाए, है ना। तो अपने जो भी मशीन्स हैं, मैन पावर है, उनका अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाए, है ना, और मटेरियल हैंडलिंग जो इधर से उधर उठा के ले जाना है वो कम हो जाए, इन्वेंट्री जो है अपनी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाए, कंजेशन अपने पूरे सिस्टम में, अपने प्लांट में कम हो जाए। कंजेशन मतलब कि एकदम भीड़ भाड़ होती है ना, जैसे बात तुम लोग करते हैं, बात क्या, अरे लाइन नहीं लग रही है फोन की, मोबाइल की, बहुत कंजेशन है लाइन में, ठीक है, तो बिजी ना हो। ठीक, तो इस तरह की कुछ एडवांटेज है, तो हम लोग बात करते हैं इसकी। ठीक है, किसकी एडवांटेज क्या हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले रिड्यूस वर्क हैंडलिंग, जो हम लोग जॉब हैंडलिंग करते हैं ना, अपना सामान इधर से उधर उठा के ले जा रहे हैं, वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना, यूनिफॉर्म प्रोडक्शन रेट, ठीक है, बेटर यूज ऑफ मशीन एंड मैन पावर। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो लेस कंजेशन, ठीक, तो ये बेसिक है, ये इतने को फायदा है, ये हम लोग को लग रहा है कि बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा बड़े फायदे हैं। वर्क हैंडलिंग मतलब क्या है, कि थक के पता चला इधर से उधर लेके चले जा रहे हैं, सामान बार बार उठा के इधर से उधर रख रहे हैं, तो वर्कर लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। असेंबली लाइन में क्या है, उसी में चल रहा है, लेकिन उसको हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा कि भाई इसके बाद प्रॉपर सिक्वेंस में जॉब लगी हो, और जॉब इस तरीके से लगी हो कि वर्क स्टेशन टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा हो। अभी देखो बहुत लोगों के दिमाग में हो रहा होगा कि वर्क स्टेशन टाइम क्या, यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, वो तो जितनी देर रुकेगा काम होगा, ऐसा नहीं होता है। किसी जॉब का टाइम अलग होता है, किसी का अलग होता है, तो वही सब हम लोग समझने वाले हैं कि भाई वर्क स्टेशन टाइम क्या होता है, ठीक है, और कैसे उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे, कैसे मिनिमाइज करेंगे, इफिशियंसी निकाली जाती है लाइन की, असेंबली लाइन की इफिशियंसी कितनी होती है, ठीक है, कितने वर्क स्टेशन चाहिए किसी प्रोसेस को करने के लिए, कितना बैलेंस डिले होता है, ये सब टर्म हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं और निकालने वाले हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ बेसिक बात इतनी हम लोगों को समझनी है कि असेंबली लाइन क्या है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने देखी होगी ना, जैसे बॉटलिंग प्लांट है, कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है, जैसे अगर जाओ इधर पे तो एक ट्रैक्टर का प्लांट है, तो क्या करते हैं, एक दिन में 12 ट्रैक्टर निकालते हैं कंप्लीट करके। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि 12 जगह अलग अलग काम चल रहा है, हाँ, एक लाइन है उस पर काम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक सारे के सारे स्टेशन पे काम होता है और फाइनली एक ट्रैक्टर बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा बन गया, तो ये सब चीजें क्या है, असेंबली लाइन। ठीक है, तो अगर हम लोग एग्जांपल देखें असेंबली लाइन का, तो
ठीक है, ये मान लो वर्क स्टेशन है अपने, ये क्या है वर्क स्टेशन वन, वर्क स्टेशन टू एंड वर्क स्टेशन थ्री। ठीक, यानी कि यहां से अपनी असेंबली लाइन स्टार्ट होगी, इस यहां पे कुछ काम होगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, यहां जाएगा, ठीक है, तब तक दूसरा आ जाएगा यहीं पे, है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा, इस तरीके से काम चलेगा, यहां से रॉ मटेरियल आएगा, यहां पे फाइनली फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है अपना, प्रोडक्ट या फिर गुड जो भी बोल दो निकल आएगा। ठीक है, इधर रॉ मटेरियल जा रहा है, रॉ मटेरियल यानी कि जहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर कार की बात करें तो उसका फ्रेम सबसे पहले रखा जाएगा, कार की बात करें तो सबसे पहले उसका फ्रेम आएगा, है ना, फ्रेम आएगा, उसके बाद फिर उस पर धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट होगी, पहले हो सकता है उसमें गेट लगाए जाएंगे, फिर इंजन फिट किया जाएगा, है ना, इंजन फिट करने के बाद फिर उसमें डोर्स लग गए, उसके बाद स्टेयरिंग लगा रहे हैं, गियर बॉक्स लगा रहे हैं, तो ऐसे करके प्रोसेस अपनी चलती रहेगी, है ना, तो सारे अपने कंप्लीट होंगे। अब देखो ये वर्क स्टेशन की बात करें तो इस वर्क स्टेशन में बहुत छोटी छोटी बहुत सारी जॉब्स होती हैं, 1 2 3 4 5 ये अलग अलग जॉब्स हो रही हैं इसमें। ठीक है, इसमें भी कुछ हो रही होंगी, 1 2 3 4 5 6 कुछ इसमें भी हो रही होंगी, है ना, ये मैंने क्या कर दिया है, जॉब्स के वजह से नंबर डाल दिया कि इसमें 7 जॉब्स हो रही हैं, यहाँ इस वर्क स्टेशन में 6 हो रही हैं, वहाँ 9 हो रही हैं। भाई अलग अलग क्यों हो रही हैं, एक क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि टाइम अलग अलग है ना, कोई 2 मिनट की है, कोई 15 मिनट की है, तो उस हिसाब से तो हमें अरेंज करना है। ठीक हो, अब देखो ये लाइन जुड़ी हुई है, एक ही है, ऐसे नहीं शिफ्ट हो रही है, तो यहाँ पे अगर रुक रहा है ये 15 मिनट, तो ये भी रुकेगा यहाँ 15 मिनट, और यहाँ पे भी रुकेगा 15 मिनट, और 15 मिनट इस पे काम होगा, 15 मिनट के बाद ये आगे बढ़ जाएगा स्टेप, ठीक है, नया आ जाएगा, वहां से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 15 मिनट इसके बाद काम होगा इस पे, फिर आगे बढ़ेगा, फिर इस पे होगा, तो ऐसे करके सीरीज में ही चलता रहेगा, एक सीरीज में चलता है। क्लियर है बात? अब देखो सोचने वाली बात, सबसे पहली बात 15 मिनट में ये सारी जॉब होनी है, क्लियर, 15 मिनट में ये सारी जॉब होनी है, और 15 मिनट में यहाँ पे ये जॉब होनी है, 15 मिनट में यहाँ पे ये जॉब होनी है। तो एक तो कॉमन सेंस की बात है कि जो जॉब पहले होनी होगी वो पहले होगी, जो जॉब जिसके बाद होनी होगी बाद में होगी, ऐसा तो है नहीं है कि गाड़ी आते ही फ्रेम हम लोग पहले पेंट कर दें, अगर पहले पेंट कर दोगे उसके बाद वर्क करोगे तो सारा पेंट खराब हो जाएगा, दोबारा करना पड़ेगा, कॉस्ट डबल हो जाएगी पेंट की, तो वो नहीं करेंगे। सिक्वेंस हम लोग कहां से निकालते थे, जॉब का सिक्वेंस निकालते थे हम लोग नेटवर्क फ्लो डायग्राम में, कि कोई अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो पहले ये जॉब करनी है, उसके बाद ये करना है, सक्सेसर प्रेसिडेंस उसमें दे रखा होता था, वहां से निकालते थे। ठीक है, तो इसमें भी यूज करते हैं, जब कन्वेंशनल क्वेश्चन आता है बड़ा, तो हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद ही सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी जॉब कौन सी वर्क स्टेशन पे करनी है। ठीक है, लेकिन उतना बड़ा कभी नहीं आता, वो बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ की, तो ये जो हम लोग छोटी छोटी जॉब कर रहे हैं ये, इनको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट, है ना, कि भाई नट लगाना है ना, उसके क्या कहते हैं ग्लास लगाना है, हैं, ग्लास लगाने के बाद उसको उसकी रबड़ लगानी है, हैंडल क्या कहते हैं स्टीयरिंग लगानी है, गियर बॉक्स असेंबल करना है, तो ये क्या, ये अलग अलग जॉब्स हैं। ठीक है, तो ये जो अलग अलग जॉब्स हैं तो इनका कुछ टाइम भी होगा करने का, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, टास्क टाइम। क्या बोलते हैं? टास्क टाइम। ठीक है, टास्क टाइम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लोग टीआई से, टीआई, आई मतलब कि फर्स्ट जॉब का टाइम, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ एलिमेंट का, फिफ्थ एलिमेंट का, जिसका भी टाइम। तो अगर हम लोग इस सब टाइम को सम कर दें, देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है ना, अगर हम लोग इस सारे टाइम को सम कर दें 7 जॉब के, यानी कि सिग्मा टी आई जितनी भी जॉब्स है, तो किसके बराबर आ जाएगा, टी एस आई, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क स्टेशन पे जो टोटल टाइम हो रहा होता है ना, जहां जॉब हो रही है, वर्क स्टेशन टाइम।
देखो बहुत सिंपल है, एक के बाद एक अपन को बढ़ते चलना है, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। सबसे पहले हमने एक बात की कि भाई वर्क स्टेशन होगा उसमें बहुत सारी जॉब होंगी, क्लियर है बात। ये देखो ये जब रुकेगा तो सबके लिए सेम रुकेगा, सबके लिए सेम रुकेगा, है ना, सबके लिए सेम रुकेगा। अच्छा एक बात और कि मान लो यहां पे जो टोटल जॉब हो रही है वो हो रही है 12 मिनट में, यहां पे हो रही है मान लो 16 मिनट में और यहां पे हो रही है 17 मिनट में, ठीक है। अभी हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे, ये खत्म हो गया खेल, ठीक है। अब जो हम बता रहे हैं कि इसमें जो टोटल स्टेशन टाइम है ये क्या है, स्टेशन टाइम समझ गया हो ना, कि जितनी भी जॉब्स है सबका टाइम जोड़ देना, ये क्या है स्टेशन टाइम, तो TS1 वर्क स्टेशन टाइम TS2 और वर्क स्टेशन टाइम TS3, यानी कि इतना हो रहा है, एग्जाम में देख का होता है। तो मुझे बताओ कि वो अपने को इस असेंबली लाइन को कितनी देर रोकना पड़ेगा, जितनी देर रोकना पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल टाइम। जो मैंने 15 मिनट लिखा था ना, 15 15 15, वो साइकिल टाइम था। 15 मतलब कि किसी भी वर्क स्टेशन पे मैक्सिमम इतनी ही देर काम हो सकता है, इतने में ही जितनी जॉब करनी है कर लो, क्योंकि 15 15 मिनट ही रुकना है, क्लियर है बात। तो ये क्या है अपना साइकिल टाइम। तो इस केस में साइकिल टाइम क्या होगा, हमको कितनी देर रुकना पड़ेगा, देखो कॉमन सेंस, अगर हम लोग 12 12 मिनट रुकते हैं तो इस वाले वर्क स्टेशन की जॉब तो हो जाएगी, इन दोनों की नहीं हो पाएगी। 16 मिनट रुकते हैं तो इसकी और इसकी जॉब हो जाएगी, उसकी नहीं हो पाएगी, है ना भाई, कॉमन सेंस वाली बात है। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं 17 मिनट अगर रुकते हैं तो फिर तीनों की हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर इस तरह की बात होगी तो साइकिल टाइम क्या होगा, 17 मिनट। तो अब देखो यही तो हमें यूटिलाइज करना है, इसी यहीं पे तो हम लोगों को जॉब असाइन कर रही है। देखो यहाँ पे 17 मिनट रुक रहा है लेकिन काम कितनी देर हो रहा है, 12 मिनट, यानी कि 5 मिनट ये वर्क स्टेशन पे कोई काम नहीं होगा, यही आइडल टाइम है, यही हमें मिनिमाइज करना है इस तरीके से कि हम जॉब असाइन करें ताकि ये टाइम मिनिमम से मिनिमम हो जाए, ठीक है। अभी तो हमें जॉब पता नहीं कौन सी है तो हमने तो ऐसे लिख दिया है, ठीक है। बाकी जब हमें जॉब सिक्वेंस भी दे रखी होंगी तो असाइन करते हैं। इसमें देखो इसमें 17 मिनट यहाँ पे रुकेगा और कितने देर काम होना है, 16 मिनट, यानी कि 1 मिनट क्या होगा आइडल टाइम। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 मिनट आइडल टाइम किसका, वर्क स्टेशन का। यहाँ पे कितनी देर होगा, 1 मिनट आइडल टाइम किसका, वर्क स्टेशन का। और इधर पे देखो कितना होगा, इधर 0 होगा क्योंकि साइकिल टाइम भी 17 है और ये भी 17। देखो यहाँ से 2-3 कॉन्सेप्ट निकल के आए। पहला कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि जो साइकिल टाइम होता है किसी भी असेंबली लाइन का, वो जो मैक्सिमम स्टेशन टाइम होता है, मैक्सिमम वर्क स्टेशन टाइम होता है, वही होता है ना। इसका 12 था, इसका 16 था, इसका 17 था, है ना। इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सा है, 17 को हमने क्या बना दिया, साइकिल टाइम, क्योंकि मैक्सिमम वाला अगर हो जाएगा तो बाकी तो हो ही जाएंगे, हमें जॉब भी तो करनी है। तो जो वर्क स्टेशन टाइम है अपना TSI और जो साइकिल टाइम है इसको बोलते हैं हम लोग TC। ये क्या होता है साइकिल टाइम, ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू TSI मैक्स, यानी कि जो वर्क स्टेशन टाइम है मैक्सिमम, इसको यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, मैक्सिमम वर्क स्टेशन टाइम, क्लियर है ना बात, ठीक है। तो यहां से साइकिल टाइम का अपना रिलेशन निकल आया, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे यहां पे साइकिल टाइम की, तो साइकिल टाइम लोगों का निकल आया है, क्या निकल के आया है कि जो मैक्सिमम वर्क स्टेशन टाइम होगा वो साइकिल टाइम। देखो कॉमन सेंस वाली बात है, इस वर्क स्टेशन पे जितनी भी जॉब हो रही थी एलिमेंट्स, ठीक है, उन सब का कुछ अलग अलग टाइम था, अलग अलग टाइम था। उन सब को जब हमने सम किया सारी जॉब्स का, उतना टाइम लगेगा ना भाई करने में, कंप्लीट करने में, उसको सम को हमने बोला स्टेशन का वर्क स्टेशन टाइम, स्टेशन का टाइम मतलब इसमें कितना वर्क स्टेशन टाइम है वो। और जितने भी वर्क स्टेशन टाइम थे भाई, इसको 12 मिनट लग रहा है, इसको 16, इसको 17, तो जो मैक्सिमम टाइम था, मैक्सिमम टाइम, उसको हम लोगों ने बोल दिया साइकिल टाइम। क्यों, क्योंकि भाई इतनी देर तो रुकना पड़ेगा ना अगर काम करना है कि नहीं। तो कभी हम लोगों को दे रखा हो कि अलग अलग वर्क स्टेशन पे अलग अलग एलिमेंट है, 5 मिनट 10 मिनट 12 मिनट, तो जो मैक्सिमम टाइम होगा वही क्या होगा अपना साइकिल टाइम। तो एलिमेंट क्लियर, एलिमेंट का जो टाइम होता है छोटी जॉब का, मतलब एक जॉब का पर्टिकुलर, वो क्या है टास्क टाइम। और टास्क टाइम को जब हम लोग क्या करते हैं, सारे टास्क टाइम को जोड़ देते हैं किसी स्टेशन के, तो बोल जाता है स्टेशन टाइम। और जितने भी स्टेशन है उसमें से जो मैक्सिमम स्टेशन टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइकिल टाइम।
अब इसके अलावा एक टर्म और होता है टाइम का, और वो होता है हमारा टोटल वर्क कंटेंट, टोटल वर्क कंटेंट। ये क्या होता है? इस ये जितना जॉब है इसका टाइम प्लस इसका टाइम प्लस इसका टाइम, यानी कि 12 प्लस 16 प्लस 17, ये क्या है अपना टोटल वर्क कंटेंट। ठीक है, तो यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं कि टोटल जॉब टाइम, टोटल जॉब टाइम, यही क्या है अपना वर्क कंटेंट है। यानी कि TS WS1 प्लस WS2 WS3, यानी कि जो समेशन होगा इसका TSI का, सारे वर्क स्टेशन टाइम का जो समेशन होगा वो क्या होगा अपना टोटल वर्क कंटेंट। यानी कि एक्चुअली में इतनी देर काम हो रहा है, देखो ये अब यहां देखो एक छोटा सा और दिमाग लगेगा, छोटा सा एकदम, कि एक्चुअली में कितनी देर काम हो रहा है ये तो ये बता देगा, और अपने पास अवेलेबल कितना टाइम है करने के लिए। तो देखो अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को अपने एग्जाम्पल को लेके चले है ना, तो हम लोगों के पास पहले जो वर्क स्टेशन था, वर्क स्टेशन 1, वर्क स्टेशन 2 एंड वर्क स्टेशन 3, यही थे अपने पास, है ना। देखो एक एग्जाम्पल मैं इसलिए ले लेता हूं टाइम का ताकि बातें समझ में आ जाए, ठीक है। और इसको लग रहा था 12 मिनट करने में, इसको लग रहा था 16, इसको लग रहा था 17, हम लोगों ने साइकिल टाइम निकाल लिया था 17, क्योंकि इतनी देर रुकना पड़ेगा ताकि ये काम हो, ठीक है। इसके आगे अगर मान लो एक और होता 14 का, वर्क स्टेशन 4, 14 मिनट का, तब भी साइकिल टाइम क्या होता 17, क्योंकि मैक्सिमम स्टेशन टाइम जो होता है वर्क स्टेशन टाइम वही साइकिल टाइम होता है, क्योंकि अगर 14 मिनट रोकोगे तो इसी वाला काम नहीं हो पाएगा, नहीं ये वाला काम हो पाएगा, ये दो वर्क स्टेशन पे तो जॉब हो जाएगी, 17 मिनट रोकना पड़ेगा तभी सब पे काम हो पाएगा, ठीक। अब जरा देखो इसको तो हम हटा देते हैं, ये समझाने के लिए था बस, ठीक। अब जरा देखो मुझे ध्यान से बताओ, अपने पास अवेलेबल टाइम कितना है वर्क स्टेशन पे जितनी देर हम काम कर सकते हैं। अगर हम लोग अवेलेबल टाइम की बात करें, वर्क स्टेशन तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्क स्टेशन इंटू साइकिल टाइम, यानी कि एन इंटू टीसी, यानी कि इतनी देर हम काम कर सकते थे अगर देखें तो 17 मिनट रुका है तो 17 × 3 यानी कि 51 मिनट का टाइम था करने का, लेकिन एक्चुअल में अपना किया कितना है, ठीक है, यानी कि और टोटल वर्क कंटेंट कितना है, यानी कि एक्चुअल जॉब टाइम टोटल वर्क कंटेंट कितना है अपना, देखो TWC कितना है, सिग्मा TSI, यानी कि वर्क स्टेशन का सारे टाइम जोड़ दो। यानी कि अगर हम लोग इस एग्जांपल से देखें तो हमारे पास जो टोटल टाइम अवेलेबल है वो 51 है, एन इंटू टीसी यानी कि 51, है ना। और टोटल वर्क कंटेंट की बात करें तो वो कितना है, 12 प्लस 16 प्लस 17, है ना, तो ये कितना हो गया ट्वेंटी एट प्लस 17 यानी कि 45, है ना, 45। तो ये अपने पास इतनी देर हमने काम किया, अवेलेबल इतना था। तो अगर हम लोग लाइन की इफिशियंसी की बात करें, लाइन की इफिशियंसी की बात करें तो सिंपल क्या हो जाएगा, 45 मिनट काम हुआ है, अवेलेबल कितना था 51, है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिंपल अगर हम लोग फॉर्मूले के टर्म में लिखना चाहें कि लाइन इफिशियंसी क्या है, तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क कंटेंट डिवाइड बाई एन इंटू साइकिल टाइम, यही तो लिखा है, बात समझ में आ रही है, यही क्या है अपनी लाइन इफिशियंसी। अरे क्लियर है ना बात, ये क्या है अपनी लाइन इफिशियंसी। अब जरा देखो इसी में थोड़ा सा और दिमाग लगाओ,
हम ही लोगों को लगाना है दिमाग, और कोई तो लगाएगा नहीं, है ना। देखो अगर हम लोग आइडल टाइम देखें कि तीनों स्टेशन पे टोटल आइडल टाइम कितना मिला है, तो हम लोग आइडल टाइम की बात करें तो कितना हो जाएगा, एनटीसी ये क्या है, टोटल टाइम, टोटल टाइम माइनस टोटल वर्क कंटेंट, मतलब जितनी देर काम हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, आइडल टाइम। ठीक है, तो एक टर्म होता है बैलेंस डिले, ये क्या होता है, आइडल टाइम, आइडल टाइम डिवाइड बाई टोटल टाइम। अगर इसको परसेंटेज में पूछना है तो इनटू 100 कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एन टी सी माइनस टी डब्ल्यू सी डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, एन टी सी, टोटल टाइम क्या है, एन टी सी। अब देखो इसमें एक जगह मैंने कोई एग्जाम में देखा था, तो टी डब्ल्यू सी का फॉर्मूले में क्या लिख रखा था, एन टी सी माइनस सिग्मा टी एस आई डिवाइड बाई एन टी सी। तो हमको तो पता है ना टोटल वर्क कंटेंट क्या है, टोटल वर्क कंटेंट क्या है अपना, सिग्मा टी एस आई, सारे वर्क स्टेशन में जो टोटल जॉब हो रही है सबका समेशन, वही क्या है अपना टोटल वर्क कंटेंट। तो ये फॉर्मूला किसका है, बैलेंस डिले का, यानी कि हम लोगों ने एफिशिएंसी निकाल ली कि कितनी देर वर्क किया डिवाइड बाय टोटल टाइम अवेलेबल, है ना, फिर निकाल लिया आइडल टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम अवेलेबल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस डिले। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बैलेंस डिले। ये दोनों ही टर्म पूछे जाते हैं, अगर लाइन की बात हो रही है तो लाइन एफिशिएंसी एंड बैलेंस डिले। ठीक है, और आइडल टाइम कितना है अपनी लाइन का, ये सारे टर्म पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इनको सबको एक साफ तरीके से लिखें अलग एक, तो जो पहला हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला क्या कि एलिमेंट, है ना, एलिमेंट को बोला हमने कि जॉब, जो अपनी छोटी सी जॉब है वर्क स्टेशन पे, उसके टाइम को बोला हमने टी आई, क्या बोला टी आई, इसको हमने बोला टास्क टाइम, जो जॉब को, जो टास्क को करने का टाइम था, टास्क टाइम। ठीक, अब हमने इसके बाद क्या अगला बोला, सेकंड बोला हम लोगों ने वर्क स्टेशन टाइम, वर्क स्टेशन टाइम। ठीक है, यानी कि एक वर्क स्टेशन पे जितने एलिमेंट थे या जितनी जॉब हो रही थी उसका समेशन कर दो। ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया टी एस आई से, 1 है 2 है 3 है जो भी है, और सिग्मा टी आई, एक वर्क स्टेशन पे जितनी भी जॉब थी उसका समेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात की क्या, थर्ड साइकिल टाइम की, है ना, साइकिल टाइम अपना क्या था, मैक्सिमम वर्क स्टेशन टाइम, है ना, यानी कि साइकिल टाइम की अगर हम लोग बात करें रिप्रेजेंट करते हैं टीसी से, ये क्या था, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब उससे बड़ा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अपनों को कितना लेना है, मैक्सिमम टी एस आई मैक्स, यानी कि जो भी स्टेशन टाइम मैक्सिमम वो क्या होगा, साइकिल टाइम, क्योंकि हमें सारी जॉब कंप्लीट करानी है ना। ठीक, अगर हम लोग बोले कि टोटल वर्क कंटेंट कितना है, मतलब टोटल कितनी देर जॉब हुई सारे स्टेशन पे मिला के, वर्क कंटेंट कितना है, यानी कि इसी को बोलते हैं टोटल जॉब फ्लो टाइम, मतलब कितनी देर काम हुआ, टोटल जॉब फ्लो टाइम, तो वो कितना हो जाएगा अपना, वो कितना हो जाएगा, सिग्मा टी एस आई, यानी कि जितने भी वर्क स्टेशन पे टाइम है वर्क सबका समेशन कर दो, उतनी तो जॉब है 12, 16 और 17, है ना। उसके बाद हम लोगों ने अगला देखा, नेक्स्ट पॉइंट, यहां तक क्लियर है। उसका जो हम लोगों ने अगला पॉइंट देखा तो वो क्या था, हाँ, अवेलेबल टाइम, अवेलेबल टाइम एट वर्क स्टेशन, टोटल अवेलेबल टाइम। ठीक है, टोटल, ठीक है, तो अगर हम टोटल अवेलेबल टाइम की बात करेंगे वर्क स्टेशन पे, तो क्या था, एन नंबर ऑफ वर्क स्टेशन इनटू टीसी, ये क्या है, नंबर ऑफ वर्क स्टेशन, और ये मैंने अभी लिखा है, क्या है ये, साइकिल टाइम। ठीक है, तो एक लास्ट बचा है अपना क्या, आइडल टाइम। ठीक है, आइडल टाइम क्या होता है अपना, आइडल टाइम क्या होता है, आइडल टाइम होता है एन टी सी
माइनस टी डब्ल्यू सी, ठीक है, टोटल वर्क कंटेंट। और इसके बाद फाइनली हम लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े इफिशियंसी के, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर लें बैलेंस डिले की, तो बैलेंस डिले क्या होता है, एन एन टी सी साइकिल टाइम माइनस टोटल वर्क कंटेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम, एन इंटू टी सी इंटू 100, परसेंटेज में अगर पूछ रहा है। इफिशियंसी की बात करें तो क्या होती है, वन माइनस बैलेंस डिले, करके देख लेना, ठीक है, परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक। तो ये दो हमें फॉर्मूले थे, ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक ये है और एक ये है, बैलेंस डिले एफिशिएंसी उसी में से घटा देना है, क्लियर है ना बात भाई। बहुत आसान था, हम लोगों ने सारे टाइम पकड़ लिए, कहीं कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए, एकदम क्लियर हो गया है, करेक्ट। अब इसके बाद क्या होता है कि दो चीजें और पूछता है, ठीक है। एक तो पूछता है स्मूथनेस इंडेक्स, ठीक है, ये नॉर्मली पूछेगा नहीं अपने गेट एग्जाम में, ठीक है। ये पूछेगा जब कन्वेंशनल क्वेश्चन आता है उसमें, लेकिन मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं, हो सकता है फॉर्मूला ही पूछ दे, ठीक है। तो ये क्या होता है, आई इक्वल टू वन से लेके एन जितने भी हैं, ठीक है, मैक्सिमम वर्क स्टेशन टाइम माइनस स्टेशन टाइम, ठीक है, मैक्सिमम वर्क स्टेशन टाइम माइनस स्टेशन टाइम, ठीक है। ठीक है, माइनस स्टेशन टाइम, और ये हमको क्या बताता है, स्मूथनेस इंडेक्स एस आई, ये हमको बताता है कि अपना जो लोड है वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्टेशन पे किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम वर्क स्टेशन टाइम, ठीक है। तो ये अपन को बताता है लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वर्क स्टेशन, ठीक। तो ये पूछेगा नहीं, ये काम का नहीं, बस मैंने बता दिया। अब एक लास्ट रह गया है, मिनिमम नंबर ऑफ, जो बहुत पूछ सकता है एग्जाम में, पूछा भी एक बार, मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन। मान लो वर्क स्टेशन ना दे रखा हो, मान लो वर्क स्टेशन ना दे रखा हो, वर्क स्टेशन दे ही ना रखा हो, ठीक है। तो अगर वर्क स्टेशन नहीं दे रखा होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या बात करेंगे कि फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा भाई, हमको पता है कि टीसी जो है वो मैक्सिमम वर्क स्टेशन टाइम है, और जब हमें कुछ नहीं पता होगा तब ये मान के चलेंगे कि सारे वर्क स्टेशन पे बराबर बराबर टाइम है। तो हम लोग सिंपल क्या बोल देंगे, टी डब्ल्यू सी अपॉन टी सी, ये क्या हो जाएगा, एन नंबर ऑफ वर्क स्टेशन। ये मिनिमम है, ये मिनिमम, इससे ज्यादा ही होंगे या इतने होंगे, मिनिमम इतने होने चाहिए, इससे ज्यादा ही होंगे नहीं, तो सीधी सी बात है ना कि भाई मान लो 350 टोटल वर्क कंटेंट है, ठीक है, और साइकिल टाइम है कितना 10, टीसी कितना है 10, तो अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 5। यानी कि हम लोग को जब पता नहीं है कि किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है लोड, तो हम लोग सिंपल निकाल सकते हैं क्या कि भाई ये मान के चलते हैं कि जितने भी वर्क स्टेशन होंगे उसमें बराबर बराबर टाइम होगा, तो हम लोग इससे डिवाइड कर देते नंबर ऑफ वर्क स्टेशन आ जा रहा है। यानी कि अगर जो बेस्ट कंडीशन होगी वो ये होगी, ये बेस्ट कंडीशन होगी, यानी कि इतने जो मिनिमम होंगे बेस्ट अपन को रिजल्ट देंगे, है ना। तो ये तो बात हो गई नंबर ऑफ वर्क स्टेशन की, कि भाई टोटल वर्क कंटेंट में साइकिल टाइम डिवाइड कर दो तो इतने पता चल जाएगा कितने वर्क स्टेशन चाहिए। सीधी बात है कि एक वर्क साइकिल टाइम 12 मिनट है, यानी एक जगह 12 मिनट रुकता है, और टोटल काम करने के लिए अगर अपने पास 60 मिनट्स है तो 60/12 यानी कि 5 जगह कम से कम वर्क स्टेशन हमको बनाना पड़ेगा। बस बात क्लियर, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन की बात। अच्छा, स्मूथनेस इंडेक्स का थोड़ा सा और देख लो, अगर देखने का मन है, अगर स्मूथनेस इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है और एक स्मूथनेस इंडेक्स की वैल्यू कम है, दो केस होते हैं, ठीक है। अगर स्मूथनेस इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है तो जो अपना लोड है, लोड जो वर्क स्टेशन पर लोड है, नॉट
प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और अगर वैल्यू कम है स्मूदर इंडेक्स की, तो लोड अपना जो है प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आई थिंक ये जो अपना कॉन्सेप्ट था वो पूरा वो कंप्लीट हो गया है, कॉन्सेप्ट अपना सारा कंप्लीट हो गया है कि लाइन बैलेंसिंग में थ्योरी क्या है, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत बड़े सवाल भी आते हैं कि वो पूरा नेटवर्क फ्लो डायग्राम दे देता है। अब जैसे याद करो कि नेटवर्क फ्लो डायग्राम में क्या क्या हुआ करता था, नेटवर्क फ्लो डायग्राम में भाई क्या कहते हैं प्रेसिडेंस सक्सेसर वाला अपना पूरा रिलेशनशिप बता देता था और हर एक जॉब का टाइम दे दिया करता था। अब वो बोले कि ये सारी जॉब्स हैं इनको असेंबली लाइन में कन्वर्ट करना है, बताओ कितने वर्क स्टेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अगर साइकिल टाइम 10 मिनट है 12 मिनट है, 12 दिन है 10 दिन है 10 घंटे है, तो उसमें हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो इतना बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि पहले डायग्राम बनाओ, फिर ठीक है उसमें भी एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम बनता है, ठीक है, वो डायग्राम बनाओ, उसके बाद फिर क्या कहते हैं सिक्वेंस बनाओ, ठीक है, अरेंज करो डिफरेंट मेथड से, मतलब हायर लोअर में फिर कैलकुलेट करो, तो वो बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन हाँ वो इंजीनियरिंग सर्विसेज कन्वेंशनल में आता है, ठीक है, गेट में उतना नहीं आएगा, गेट में अपने छोटे छोटे सवाल आएंगे जो हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। एक बार हम लोग जरा फिर से वापस क्विक रिव्यू मार देते हैं क्योंकि टाइम हो गए बहुत सारे, तो हम लोग सारे टाइम क्लियर हो गए हमारे, है ना, कि कौन कौन से टाइम थे, टास्क टाइम, देखो बहुत सारे मैं इसीलिए 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। पहला सबसे छोटा बेसिक था एलिमेंट टाइम जॉब का, और उसमें जब हम लोग क्या कहते हैं किसी वर्क स्टेशन के सारे जॉब टाइम को, सारे एलिमेंट टाइम को, टास्क टाइम को जोड़ दे रहे थे, ऐड कर रहे थे, तो हमारा क्या बन रहा था, हमारा बन रहा था वर्क स्टेशन टाइम, करेक्ट। वर्क स्टेशन टाइम जो था उन सारे वर्क स्टेशन टाइम को जोड़ दे रहे थे तो हमारा बन रहा था टोटल वर्क कंटेंट, और जो सबसे मैक्सिमम वर्क स्टेशन टाइम था उसको हम लोग मान रहे थे साइकिल टाइम, उसको क्या हम लोग मान ले रहे थे साइकिल टाइम, और साइकिल टाइम वो हो सकता है उससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं मैक्सिमम वाले को। तो हम लोगों के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं, फॉर्मूले सारे हम समझ गए हैं, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन की बात भी क्लियर हो गई थी, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन जरा एक बार फिर समझ लो क्योंकि इसमें लोगों को डाउट हो जाता है कभी कभी। देखो कि जो वर्क स्टेशन का टाइम है, ठीक है, वो मान लो 12 है ना, वर्क स्टेशन का टाइम है 12, ठीक, या फिर ये दे रखा है साइकिल टाइम टीसी, और दे रखा है कि जो टोटल टास्क टाइम है TSI, ठीक है, टोटल टास्क टाइम यानी कि जितना भी वर्क स्टेशन टोटल टाइम था वो क्या है दे रखा है 60, यानी कि कितने भी वर्क स्टेशन रहे टाइम कितना लगा हमें जॉब करने में 60 मिनट्स, ठीक है। तो अगर हम लोग 60 डिवाइड बाई ये साइकिल टाइम कर दें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 5, ये 5 क्या बता रहा है भाई एग्जैक्टली हमें नहीं पता, 5 हमें सिर्फ ये बता रहा है कि कितने वर्क स्टेशन चाहिए, यानी कि अगर 12 मिनट रुकता है तो हमें 12 के कितने चाहिए, 5 वर्क स्टेशन चाहिए भाई, ठीक है। और ये आइडियल केस है, देखो कि मतलब कोई कुछ नहीं है, इसी में क्या होता, मान लो अगर 65 होता, टोटल वर्क स्टेशन टाइम 65 होता, तो हम क्या करते 65 ये यानी कि 5 पॉइंट कुछ आता, ठीक है, 5.4। इस केस में कितने वर्क स्टेशन होते, कितने, मिनिमम 5.4 है, यानी कि 5 नहीं कर सकते हैं, कितना करेंगे, 5.1 भी है तब भी क्या करेंगे, ये वैल्यू मिनिमम है, ये मिनिमम वर्क स्टेशन है, मैक्स करेंगे यानी कि हम लोग कितने हो जाएंगे 6, बात समझ गए। ये अपना वर्क स्टेशन वाला कॉन्सेप्ट है मिनिमम नंबर वाला, क्योंकि इसी में आधे उलझ जाते हैं कि भाई ये कैसे निकाल लिया क्या निकाल लिया, तो ये बात तो क्लियर है, हम लोगों ने बात कर ली थी कि भाई जो मैक्सिमम वर्क स्टेशन टाइम होगा वही क्या होगा साइकिल टाइम होगा, क्योंकि जॉब करने के लिए हमें उतना मिनिमम टाइम तो चाहिए ही सारे वर्क स्टेशन पे, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं जो गेट में आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक, तो जरा देखो इसको अपनी साइड में ले चलते हैं पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टेबल गिव्स डिटेल ऑफ एन असेंबली लाइन, ठीक है, तो कोई असेंबली लाइन है और ये टेबल उसका पूरा डाटा हमें बता रही है,
और क्या कह रही है कि जो वर्क स्टेशन वन है उस पर जो टास्क टाइम है यानी कि द वर्क स्टेशन टाइम, ठीक है, टोटल टास्क टाइम यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है किसकी दे रखी है, टी एस आई की। टी एस आई क्या होता है, सिग्मा टी आई, यानी कि जितने भी एलिमेंट है सबका टाइम का अगर सम कर दोगे तो क्या बन जाएगा, स्टेशन टाइम। तो स्टेशन टाइम दे रखा है टी एस आई, ठीक है। तो सारे वर्क स्टेशन दे रखे हैं और सबका टाइम दे रखा है, ठीक है। पूछा है कि व्हाट इज द एफिशिएंसी, व्हाट इज द लाइन एफिशिएंसी ऑफ द असेंबली लाइन। तो देखो लाइन एफिशिएंसी का हमें फॉर्मूला पता है, लाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला अपना क्या होता है कि टोटल वर्क कंटेंट डिवाइड बाई टोटल वर्क कंटेंट डिवाइड बाई टोटल वर्क इन टोटल टाइम अवेलेबल, ठीक है, एनटीसी इनटू 100 परसेंटेज में आ गई। अब देखो जरा पहला सवाल के नंबर ऑफ वर्क स्टेशन कितने हैं, n इज इक्वल टू, तो वो तो दे रखा है कितना 1 2 3 4 5 6 है। टोटल वर्क कंटेंट कितना है सबको जोड़ दो, ठीक है, सबको जोड़ दो तो देखो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 48। अब जरा देखो कि टोटल वर्क कंटेंट पता है और नंबर ऑफ वर्क स्टेशन भी पता है, हमें जो चीज नहीं पता है वो क्या है, जो चीज हमें नहीं पता है वो हमारी है क्या कि साइकिल टाइम कितना है। साइकिल टाइम कितना होगा भाई, अच्छे से बताया था मैंने, साइकिल टाइम इज इक्वल टू, ठीक है, साइकिल टाइम इज इक्वल टू मैक्सिमम जो टीएसआई का मैक्सिमम हो, यानी कि जितने वर्क स्टेशन टाइम है 7 9 7 10 9 6, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही साइकिल टाइम होगा। कितना भाई, देखो कॉमन सेंस की बात है, ये जो वर्क स्टेशन है ये एक लाइन है, ये देखो जैसे ना 1 2 3 4 5 6 और ये ऐसे चल रहे हैं, तो जितनी देर रुकना है सबको सेम टाइम के लिए रुकना है। अगर 12 हमने 12 मिनट फिक्स कर दिया तो हर जगह 12 मिनट ही रुकना है, तो हम वो चूज करेंगे जिसमें सारे कंप्लीट हो जाएं जॉब। अगर वो 7 चूज कर लेंगे 6 चूज कर लेंगे तो 9 10 वाले कंप्लीट नहीं हो पाएंगे जॉब, तो हम लोग मैक्सिमम चूज करते हैं ताकि उससे नीचे वाले तो कंप्लीट हो ही जाए। तो कौन सा चूज किया हमने, 12, यानी कि हमें साइकिल टाइम मिल गया 12 10, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या हो गई अपनी 48 डिवाइड बाई 6 × 10, ये कितनी कितना हो, यानी कितना हो गई इंटू 100, तो ये हो गया 48/60, यानी कि 80%, ठीक है, यानी कि अपना ऑप्शन कौन सा होगा, सी पार्ट। देखो कितना ही आसान इजी सवाल था, गेट में आया हुआ सवाल है, तो हमको सिर्फ समझना है और सिंपल जो हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं कि भाई कितनी देर काम हो रहा है, टोटल वर्क कंटेंट डिवाइड बाई कितना अपने पास टाइम अवेलेबल है ना। तो क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो गेट का आया हुआ है, वो क्या है कि इन एन असेंबली लाइन अपनी साइड ले चलते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। In an assembly line for assembling toys, ठीक है, toy कोई assembly line toys की, उससे मैं लेने देना नहीं किसी की भी हो। 5 workers are assigned which take times of 10, 8, 6, 9, 10, ठीक है। तो ये 5 worker जो अपन ने assign कर दिए हैं अलग अलग वर्क स्टेशन पे, ठीक है, तो कितना टाइम ले रहे हैं वो लिखा हुआ है, कितना टाइम ले रहे हैं 10, 8, 6, 9, 10, ठीक है, मिनट रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस डिले फॉर लाइन, बस ऐसे ही सवाल तो पूछता है, कुछ नहीं दे रखा है, सब अपने अपने आप करना है। देखो सबसे पहले तो 5 का टाइम दे रखा है, यानी कि वर्क स्टेशन कितने हैं, नंबर ऑफ वर्क स्टेशन 5, टोटल वर्क कंटेंट कितना है अपने पास, ठीक है, टोटल वर्क कंटेंट कितना है अपने पास, ठीक है, 10 + 8 = 18, 18 + 6 = 24, 24 + 9 = 33, 33 + 10 = 43, ये क्या अपने पास टोटल वर्क कंटेंट है ना। अब वो पूछ रहा है कि साइकिल टाइम कितना हो जाएगा, जरा जल्दी बताओ, अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था
कि साइकिल टाइम का क्या होता है, जो मैक्सिमम स्टेशन टाइम होता है वही अपना क्या होता है साइकिल टाइम, मैक्सिमम स्टेशन टाइम, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा 10। तो अपना बैलेंस जो डिले का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन इंटू टी सी माइनस टी डब्ल्यू सी डिवाइड बाई एन टी सी इंटू 100। ये क्या है, मैं इसलिए अलग अलग बता रहा हूं क्योंकि कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल के पूछ सकता है एग्जाम में। ये क्या है, ये है आइडल टाइम। जितनी देर वर्क स्टेशन पे कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा, 50 माइनस 43 डिवाइड बाई 50। तो ये कितना आ गया, 7 डिवाइड बाई 50। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14% इंटू 100 आएगा, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं, ठीक है, इंटू 100 14%। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो कितना ही इजी सवाल है ना, गेट में आए हुए हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तभी कर पाओगे, अदरवाइज पता भी नहीं चलेगा क्या है, कैसे निकालने, क्या करना है। कुछ नहीं दे रखा है उसने, 5 डेटा दे रखा है बस, है ना। अगला देखो, अगला सवाल अच्छा है, बढ़िया सवाल है, ठीक है, अगला सवाल बढ़िया है। वही तब का है वो क्वेश्चन है जब गेट में कभी अच्छे क्वेश्चन आया करते थे, 2004 या 5 का। ठीक है, अब देखो इस वाले सवाल से बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अभी बहुत सारे, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल। देखो, एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैज डिसाइडेड टू ऐड ए कंपोनेंट सब असेंबली, ठीक है, सब असेंबली ऑपरेशन दैट कैन प्रोड्यूस 80 यूनिट्स ड्यूरिंग ए रेगुलर 8 आवर शिफ्ट। 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है अपन को इन 8 आवर्स, ठीक है। दिस ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ 3 एक्टिविटीज एज बिलो, ठीक है। तो एक्टिविटीज जो 3 दे रखी हुई है, एक मैकेनिकल असेंबली है, एक इलेक्ट्रिक वायरिंग है और एक टेस्टिंग है। इसको लगता है 12 मिनट करने में, इसको 16, इसको 3 मिनट्स, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि फॉर लाइन बैलेंसिंग द नंबर ऑफ वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटीज एम ई एंड टी वुड रिस्पेक्टिवली, यानी अलग अलग की, अलग अलग जो अपने पास ऑपरेशन दे रखे हैं इनकी, इनके वर्क स्टेशन बताना है कि नंबर ऑफ वर्क स्टेशन कितने हो ताकि अपनी लाइन क्या हो, बैलेंस हो। तो जरा देखो, हमको टाइम पता है कि इतना टाइम लगता है, इतना टाइम हमको रिक्वायरमेंट है, 12, 16 और 3। हमें क्या पता चल जाए, हमें पता है टोटल वर्क कंटेंट डिवाइड बाई क्या होता है साइकिल टाइम, वो क्या बता देता है हमें। अगर हम लोग याद करो फॉर्मूला जो अपना था वो क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन, तो क्या था, क्या था, क्या था, टोटल वर्क कंटेंट डिवाइड बाय साइकिल टाइम। तो ये तो हमारे पास है टोटल वर्क कंटेंट कि भाई 12 मिनट 16 मिनट 3 मिनट, हमारे पास नहीं है क्या साइकिल टाइम, है ना। तो साइकिल टाइम निकालना, आप देखो जरा, हमें 80 यूनिट प्रोड्यूस करनी है 8 आवर में, 80 यूनिट इन 8 आवर, ठीक है। टोटल टाइम कितना रिक्वायरमेंट चाहिए हमको, ठीक है, टोटल टाइम हमारे पास कितना है, टोटल टाइम है 8 × 60, ठीक है। और अगर एक को प्रोड्यूस करने में पूछेंगे भाई, एक बार रुकना पड़ेगा ना साइकिल टाइम, एक बार रुकना पड़ेगा, तो क्या करेंगे भाई। देखो, अच्छा एक चीज, तो एक चीज और जरा देख लो, किसी को अगर मन में डाउट हो कि जैसे अगर ये असेंबली चल रही है, ये वर्क स्टेशन 1 है, ये वर्क स्टेशन 2 और ये वर्क स्टेशन 3 है, 3 है, साइकिल टाइम है 5 मिनट्स, यानी कि 5-5 मिनट रुक के जा रही है। अगर कोई पूछे कि टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट, टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट्स, तो क्या होगा, 5 मिनट, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ, हर 5 मिनट बाद रुकता है चलता है, यानी कि
पांच मिनट रुकेगा फिर बाहर जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, पांच मिनट ही रुकेगा फिर बाहर जाएगा, असेंबली लाइन ना पूरी चलती आ रही है। यानी कि ये जो पांच मिनट जो साइकिल टाइम है, ये हमको ये भी बताता है कि हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कितनी देर में हो रहा है। एक भाई सिंपल सी बात है ना कि असेंबली लाइन चल रही है, हमको पता है यहां से इनपुट होता है और यहां पे फाइनल होता है जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो यहां से इनपुट होगा, लगातार कंटिन्यूअस इनपुट कर रहे हैं, कंटिन्यूअस आउटपुट निकलेगा। असेंबली लाइन का यही फायदा है, जैसे बॉटलिंग प्लांट यहां से जब डालते हैं हम लोग, उधर से पैक होकर एकदम सील होके फाइनल निकलती है, लाइन से निकलती रहती है ना, है ना, बस वैसे ये भी। तो ये जो पांच मिनट अगर हम साइकिल टाइम माने, तो पांच मिनट वर्क स्टेशन पे रुकता है असेंबली लाइन, फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है। तो हम इस पांच मिनट को क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट, यानी कि एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगता है, पांच मिनट। तो हमें 80 प्रोड्यूस करने हैं, टाइम हमारे पास अवेलेबल इतना है, तो इसको डिवाइड बाय 80 कर दो, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा ना, टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, ठीक है, प्रोडक्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, साइकिल टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली साइकिल टाइम लिख लो, या फिर लिख ही लो यार, नहीं तो पता चला बाद में भूल ही जाओगे, टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव ऑर्डर, सक्सेसिव लिख लो या कंसेक्यूटिव लिख लो, जो भी लिखना हो लिख लो। यही क्या है अपना साइकिल टाइम है। तो यहां साइकिल टाइम निकाल लो तो कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। साइकिल टाइम कितना आ गया अपना, 6 आ गया ना, ठीक है। अब देखो इस साइकिल टाइम जो 6 आया है, अगर हम लोग इस टोटल वर्क कंटेंट से डिवाइड करें, क्योंकि भाई सबका अलग अलग वर्क स्टेशन बताना है ना, देखो ऑप्शन में 3 है, तो अपन को पता है कि n इक्वल टू क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन इक्वल टू TWC अपॉन TC। तो इसके लिए टोटल वर्क कंटेंट कितना है, 12 डिवाइड बाय कितना है, 6, यानी कितने चाहिए, 2। अगर इसकी बात करें तो कितना है, 16 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा, 2.66। यानी कि भाई इतने कोई वर्क, कोई आधा वर्क स्टेशन नहीं होता है, पूरा ही होता है, यानी कितने हो जाएंगे, इक्वल टू 3। इसकी बात करें तो 3 डिवाइड बाय 6 यानी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.5, यानी इसके लिए कितना हो जाएगा, 1। तो अगर हम लोग ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 1, तो हम लोग ऑप्शन में देखें तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, 2, 3, 1, 2, 3, 1 ए पार्ट, ठीक है, 2, 3, 1 कौन सा है, ए पार्ट। यानी कि अपन को मैकेनिकल असेंबली के 2 वर्क स्टेशन बनाने पड़ेंगे, इसके 3 बनाने पड़ेंगे और इसका सिंगल, सब असेंबली, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ये एक जो नई चीज आई है, ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं, मतलब कई लोगों को डाउट आ जाता है ना। देखो हम लोगों की इतनी बात हो गई थी कि यहां से अपन लोग इनपुट कर रहे हैं कुछ रॉ मटेरियल वगैरह जो भी है, और ये बीच में जो आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, वर्क स्टेशन, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये अपने वर्क स्टेशन आ रहा है, यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, यानी कि जो फिनिश्ड गुड था वो हमें मिल रहा है, फिनिश्ड गुड हमें मिल रहा है, क्लियर है ना, यहां से इनपुट हुआ वहां से हमें आउटपुट मिल गया, क्लियर है बात, ठीक है। कुछ टाइम था इनका कि 6, 7, 8, 4, मतलब ये क्या है, ये जो हमने लिखा है ये है TSI इनका, TS1, TS2, मतलब इसका सेकेंड वाले का TS3 और TS4, और हमको पता है TC क्या होता है, TC क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ TSI, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा साइकिल टाइम, मैक्सिमम कौन सा, 8। अब मुझे 8 का मतलब सिंपल शब्द शुद्ध भाषा में क्या है कि 8-8 मिनट यहां पे रुकेगा। तो यानी कि देखो यहां पे रुका है, मान लो अभी 8 मिनट रुकने के बाद इसने एक प्रोडक्ट डिलीवर किया, ठीक है, उसके बाद जो नई
बेल्ट आएगी, मतलब जो असेंबली लाइन स्टेशन पे रुकेगी वो कितनी देर रुकेगी, 8 मिनट। 8 मिनट के बाद एक और नया प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, आफ्टर 8 मिनट, ठीक है, क्या जाएगा दूसरा 8 मिनट। यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये 8 मिनट वही तो है, यही साइकिल टाइम है, ठीक है। इसी को हमने क्या बोला है कि टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव प्रोडक्ट, टू कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोग साइकिल टाइम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यही वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया था, क्लियर है ना बात। उसने टोटल टाइम दे दिया और नंबर ऑफ प्रोडक्ट दे दिए, उसको डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल आएगा, साइकिल टाइम। और साइकिल टाइम को हम टोटल वर्क कंटेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ वर्क स्टेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आए थे, ये अच्छा क्वेश्चन था गेट का। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो गेट में आ सकते हैं इस चैप्टर से वो सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि बड़े क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, हमें नेटवर्क डायग्राम बनाना पड़ता है, नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जॉब्स दे रखी हैं सक्सेसिव ऑर्डर में, उसको ऑर्डर में लगाना पड़ता है, फिर निकालना पड़ता है, तो बड़े सवाल होते हैं काफ़ी, तो उतना नहीं आने वाला। अपना मैक्सिमम पार्ट गेट का, मैक्सिमम क्या, इस चैप्टर का गेट का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों ने इस सेशन एंजॉय किया होगा, तो हम लोगों ने बहुत दिन से बात भी नहीं की है कि क्या करना है, क्या करना है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग फॉलो कर रहे होंगे अच्छे से, और कर रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा, तो समझ में आ रहा होगा तो एक काम मेरी तरफ से भी करना है, वो क्या करना है, प्रैक्टिस। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, और कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में पूछो, कमेंट करके पूछो, अच्छा लगे तो लिखो, ठीक है ना। तो ये सब सारे काम हमें करने हैं, तभी जाके कुछ फायदा होने वाला है, अदरवाइज कुछ नहीं है, ठीक है। टॉपिक में बता रहा था पूरे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की शुरुआत से लेंदी प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, बीच बीच में छोटे छोटे पार्ट्स पूछ लेता है एग्जाम में, तो थोड़ा पेशेंस दे के हमको पूरा चीज पढ़ना पड़ता है कवर। एक बार में तुरंत 5 मिनट में कोई टर्म लिया नाम तो वो समझ में आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। हम लोग को टाइम लगता है, और सबसे अच्छा तरीका इसका क्या, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, और इसमें हम लोग जो एग्जाम्पल देखते हैं लेते हैं रियल लाइफ के हैं, देखे हुए हैं, तो बहुत जल्दी चीज़ समझ में आती है। बस क्या है, सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और एक बार समझ में आ गया होगा, जिन लोगों को आ गया होगा इन्वेंट्री समझ में, तो उनको अभी भी फॉर्मूला याद हो गया होगा कि √2DC0/CH ये क्या है, EOQ, और बस इसी में हम लोगों को फैक्टर जोड़ देने होते हैं तो प्रोडक्शन और बैक ऑर्डर कॉस्ट को मॉडल निकल आता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमको सिर्फ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते रहो, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।